नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं सहारनपुर से आ रही एक बड़ी खबर पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा के आदेशों के अनुसार जनपद में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एसपी सिटी विनीत भटनागर व सीओ प्रथम नगर के कुशल निर्देशन में थाना मंडी प्रभारी श्री विजय सिंह रावत ने अपनी टीम के साथ थाना क्षेत्र पीर वाली गली से नशे के कारोबार करने वाले 8 सौदागरों को भारी मात्रा में विभिन्न कंपनियों की नशीली टैबलेट व इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 10,938 नशीली टैबलेट व इंजेक्शन भी बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 1,80,000 रुपए है। पुलिस के अनुसार उक्त सौदागरों का एक अन्य साथी फरार रहा, जिसकी तलाश जारी है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने सभी के विरुद्ध NDPS एक्ट 18A व 27 औषधि एवं ड्रग अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया है। एसपी सिटी विनीत भटनागर जी ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर उक्त गुड वर्क का अनावरण किया। प्राइम न्यूज 24 के लिए सहारनपुर से MD इंतजार मलिक की रिपोर्ट। कल काफी बड़ी सफलता प्राप्त करी है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, थाना मंडी की पुलिस ने और जो इंस्पेक्टर की ज्वाइंट टीम ने ये बड़ी सफलता प्राप्त करी है, और न सिर्फ सहारनपुर बल्कि आसपास के और राज्यों में और जनपदों में भी जो नशे के इंजेक्शन बेचने वाले एक ग्रोह को प्राप्त किया है। इसमें एक व्यक्ति अब्दुल्ला नाम का है, जिसके पास में ड्रग का लाइसेंस है, परंतु उसके द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए इन ड्रग्स को, जो कि केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर किसी खास परिस्थिति में किए जाए और ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं, इनको उन्होंने अपने किसी दूसरी जगह पर स्टोर किया और बाहर से आने वाले लोगों को, जो कि इसका कारोबार काफ़ी महंगे दामों पर जाकर बेचते थे, उन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। इसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए, 5 लोग पंजाब के अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं, मोहाली, खरड़, फतेहगढ़ के, और 3 लोग जो यहाँ पर इस कारोबार चला रहे थे, पीर वाली गली 16 नंबर में ये कार्रवाई की है। और इसमें काफ़ी भारी मात्रा में जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं, जो कि खास प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही बेची जा सकती थी, उनकी बरामदगी हुई है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस है वो भी बोलते हैं वो फरार है, जल्दी जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे और विवेचना करके इस पूरे जो इनका गिरोह है उसका अनावरण करेंगे। सर, क्या देखिए, जो प्रिंट प्राइस है उसके अनुसार तो ये माल जो है कुछ लाख रुपए का ही है, लेकिन जैसा कि आपको पता है ब्लैक मार्केट में बहुत महंगा करके इसको बेचा जाता था, तो उस लिहाज से अगर देखेंगे तो लगभग 7-8 लाख रुपये का माल। सर, क्या कुछ फर्क आप अब देखिए, आप इसमें कुछ लोगों का पता चला है, बाकी चूंकि मैंने आपको बताया कि 5 व्यक्ति इसमें पंजाब के रहने वाले हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे में मुलजिमों को न्यायिक अपेक्षा में भेजना अनिवार्य है, इसलिए अभी तक बहुत ज़्यादा जानकारी इसके डिटेल में नहीं हुई, जल्दी से जल्दी उनके बारे में जानकारी करके इसको भी विश्लेषण। ठीक है सर।